हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत खूबसूरत से 0 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस लाए हैं। इसमें टोपी भी है और ड्रेस भी। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत सा है। तो इसके लिए हमने दो ऊन ली है। सबसे पहले हम हल्के कलर की ऊन से 16 चेन बना लेंगे इस तरह से। ये 0 नंबर के कान्हा जी के लिए परफेक्ट है। 16 चेन बना लिया हमने। 16 चेन बनाने के बाद हम 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे, तो 1 2 यानी 18 चेन हो गई। अब क्रोशिए से तीसरे नंबर की चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। टोटल हमारे पास 1 चेन और ये एंड तक 15 डबल क्रोशेट ये टोटल हो जाएंगे। तो इस तरह से 1 चेन और ये 15 डबल क्रोशेट हो गए। अब हम उनका कलर चेंज कर देंगे और यहाँ पर हम, आप चाहे तो एक ही कलर भी कर सकते हैं। तो इसमें हमें एक फंदा बना लेंगे पहले, या स्लिप नॉट भी कहते हैं, स्लिप नॉट बना लेंगे। इसको हम ऊपर ले लेंगे इस तरह से। बहुत ही आसान है और परफेक्ट एकदम कान्हा जी के फिट होती है। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर एक चेन ले लेंगे, पलटेंगे। अब हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अभी पहले हमने बनाया था डबल क्रोशेट, यहाँ हम सिंगल क्रोशेट बनाते जाएंगे। ऐसे हमें 2 पट्टी रेडी करनी है, यानी 18 चेन बना के इस तरह से हमें 16 डबल क्रोशेट के साथ 2 पट्टी बना लेनी है। ये देखिए 1 पट्टी पूरी हो गई है। अब जो भी रॉ एजेस है इसको इस तरह से स्लिप नॉट पे बंद करके कट कर देंगे। यहाँ रॉ में गांठ लगा के कट कर देंगे, गांठ लगाना ज़रूरी है। तो 2 पट्टी ऐसे हम रेडी करेंगे। ये 2 पट्टी रेडी हो गई। अब डार्क कलर को अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से हम क्रॉस में इसे रख लेंगे। आप इसे सेफ्टी पिन की मदद से फिक्स कर लीजिएगा या कोई भी पिन की मदद से, क्योंकि बाद में ये दिक्कत करता है वो ना हो, इसलिए पहले से कह रहा है कि इस तरह से रख के सेफ्टी पिन लगा लीजिएगा। अब इस तरह से हमने एक फंदा बना लिया है फिर से। अब इस फंदे को यहाँ पर दो, ये जो बीचों बीच की जगह है यहाँ पर दोनों में पल्ले लेते हुए एक एक इस तरह से जोड़ लेंगे, यानी दोनों पल्लों को जोड़ लिया। अब 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बना लिया, जहाँ से जोड़ा है वहीं पे ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 2 डबल क्रोशिया बन गए इस तरह से बीचों बीच में दोनों के। अब यहाँ पर एक स्लिप नॉट कर लेंगे एक तरफ की तरह, फिर 1 चेन लेंगे और एकदम टॉप यानी कॉर्नर पे एक स्लिप नॉट ले लेंगे, पलटेंगे इसे। और फिर यहाँ पर सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे, फिर अगली स्टिच में एक डबल क्रोशिया, फिर अगली स्टिच में एक डबल क्रोशिया, 2 बार कर लेंगे डबल क्रोशिया। और फिर नेक्स्ट स्टिच में, यानी एक बार एक डबल क्रोशेट बनाना है और एक बार 2 डबल क्रोशेट। तो इस तरह से ये भी बन गया। अब इसे भी यहाँ कॉर्नर पे जाके जोड़ देंगे, दोनों ही साइडों में इसी तरह करना है, जोड़ना स्लिप नॉट से ही है ये इस तरह से। अब धागा हम यहाँ पे कट कर देंगे क्योंकि दूसरी साइड में भी हमें बनाना है। ये इस तरह से हम यहाँ कट कर देंगे, दूसरी साइड में शुरू करेंगे। तो दूसरी साइड के लिए हमने इसी तरह से यहाँ पे हुक को दोनों में से इस तरह से इंसर्ट करना है, फंदे को इस तरह से लेना है अंदर से। एक चेन दो चेन बनानी है और फिर दोनों ही पल्लों को लेते हुए 2 बार डबल क्रोशिया फिर से डबल क्रोशेट फिर से बना लेना है। पिन बीच में लगाया होगा तो आपको ये दिक्कत नहीं करेंगे, नहीं तो जब ऐसे बनाएंगे तो घूम जाते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे साइड से जाके स्लिप नॉट ले लेंगे, फिर 1 चेन लेंगे और यहाँ टॉप पे से स्लिप नॉट ले लेंगे, पलटेंगे। अब इसी स्टिच में एक डबल क्रोशिया, फिर एक बार सिंगल डबल क्रोशिया उसी स्टिच में, फिर ये आप अल्टरनेट में रखें, फिर एक बार डबल क्रोशेट और एंड में हमने 2 बार ले लिए। बस ये याद रखना है, एक बार एक डबल क्रोशेट और एक बार 2 डबल क्रोशेट, ये हो गया। और फिर जाके टॉप पे स्लिप नॉट। अब हम धागा कट नहीं करेंगे,
ये देखिए घूम जाता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप पिन शुरू से लगा के रखिए। तो यहाँ पे हम हैं, ये देखिए हमने फिर से सही कर लिया इसे। अब हम अगली स्टिच में स्लिप नॉट करते हुए पहुँचेंगे, ये स्लिप नॉट करते हुए कॉर्नर तक पहुँचना है। अब यहाँ पे दो चेन बना के पलट लेना है और जो साइड वाला हिस्सा है यानी जो पट्टी वाला हिस्सा है उसमें हम टोटल 4 से 5 डबल क्रोशेट बना लेंगे। हमने यहाँ 4 बनाने वाले हैं, तो ये 4 डबल क्रोशेट बिना बढ़ाए या घटाए बना लिए हमने, 1 चेन का और 3 डबल क्रोशेट। फिर नेक्स्ट स्टिच में हम बढ़ाना शुरू करेंगे जो बीच में अलग से बिना उसमें। देखिए ये एक ही स्टिच में हमने 2 बार डबल क्रोशेट बनाया, फिर 1 बार डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 बार डबल क्रोशेट। इसी तरह यहाँ भी एक अल्टरनेट में रखना है, 1 बार 1 डबल क्रोशेट और फिर 1 बार 2 डबल क्रोशेट। ये बीच में घेर वाले हिस्से में यानी जो अलग से हमने बनाया था उसमें ऐसे ही करना है। तो ये बीच का हिस्सा अभी यहाँ पे एंड होने वाला है। अभी हम इसमें जाएंगे तो इसमें हम सिर्फ 1 यानी साइड वाली पट्टी में हमें 4 बार ही डबल क्रोशेट बनाना है, 2, 3 और ये अंत में यहाँ पे 4th। तो इस तरह से ये हमारा रेडी होगा। दूसरी साइड भी ऐसे ही पट्टी बना लेंगे। ये दोनों साइड बना ली हमने इस तरह से। अब हम यहाँ पे दूसरे कलर से थोड़ा सा डिजाइनिंग करेंगे। तो वो देखिए हम फंदा पहले बना लेते हैं और एक कॉर्नर पे इसे जोड़ते हैं। तो कोई भी कॉर्नर ले लीजिए आप, यहाँ नीचे की तरफ से ये हमने ले लिया। यहाँ फंदे को इस तरह से ऊपर कर लेंगे, फिर हम बनाएंगे ये जो छोटा वाला टुकड़ा है इसे हमने हाथ से दबा लिया, 2 चेन बनाई और यहाँ पर डबल क्रोशिया वो जो चेन वाला जहाँ जोड़ा है वहाँ से 2 बार डबल क्रोशेट सेम स्टिच पे ही बना लिए। फिर आगे बढ़ते हुए स्लिप नॉट जहाँ तक पहुँच रहा है वहाँ तक स्लिप नॉट बनाया, फिर 2 चेन बनाई यहाँ पर, सॉरी स्लिप नॉट बोल गए, यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशेट बनाया है। तो इस तरह से 2 बार फिर से उसी होल में डबल क्रोशिया बना लिया, फिर जहाँ तक पहुँच रहा है वहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाया। तो इस तरह एंड तक दोनों में करना है। तो ये हमने देखिए पिन लगा दिया, घूम जाता है बार बार इसलिए। तो हमने पूरे में कंगूरे बना ली, कंगूरे का अलग सा वीडियो भी हमने अपलोड किया है। अब 3 चेन बना के बेस पे जाके इस तरह से पाइकॉट बनाना है, फिर सिंगल क्रोशेट, फिर 3 चेन और बेस पे इस तरह से वी स्ट्रक्चर के साथ यूं स्लिप नॉट, फिर नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशेट, फिर 3 चेन और यहाँ वी स्ट्रक्चर में पाइकॉट बनाना है। यानी एक सिंगल क्रोशेट अगली स्टिच में बनाते हैं खिसकने सकने के लिए और फिर 3 चेन बना के पाइकॉट बना देंगे। ये सिंगल क्रोशेट हो गया, ये 3 चेन हुई और यहाँ हमने पाइकॉट बनाया। अब देखिए ये साइड में तो हमने बना लिया, अब हमने पिन से अटैच किया हुआ है तो अब सीधे आस्तीन की तरफ चलेंगे। तो ये यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ हमने सिंगल क्रोशेट बनाया और फिर 3 चेन और यहाँ पे हमने पाइकॉट, ये। अब फिर अगले आस्तीन की तरफ यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे। दोनों ही साइड हमें ऐसे करना है, ये। अगले में हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, थोड़ा सा फोकस कैमरे का गलत हो गया है तो उसके लिए सॉरी। इस तरह से हमें एंड तक करना है, ये देखिए ये इस तरह से आता है, ये आस्तीन हो गई और यहाँ एंड तक आना है। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे बनाया था वैसे कंगूरे बनाना है और यहाँ पर फिर से पाइकॉट वाली बनानी है, चारों तरफ से ऐसे ही करना है। ये देखिए कितना सुंदर पाइकॉट्स दिखते हैं। इसको इस तरह से दोनों तरफ से हमने कर लिया है और एक 50 चेन की ये डोरी बना ली है और इसे यहाँ पे डाल दिया है इस तरह से। देखिए आस्तीनों में इस तरह से करेंगे और ये हमारा जो ऊपर तिकोना दिखता है ये हेड वाला हिस्सा होगा।
इस तरह से ये हमारी ड्रेस रेडी हो गई है। अब इनकी कैप बनाएंगे, तो कैप के लिए फिर से वही दो कलर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 9 चेन बनाएंगे, 9+2 यानी 9+2 11 चेन बनाएंगे, 9 चेन + 2 चेन यानी 11 चेन इस तरह से बना लेना है, 1, 2, 2 और फिर हर इस चेन में हमें एक बार डबल क्रोशेट बनाना है। जैसे शुरू में हमने पट्टी बनाई थी सेम वैसे ही यहाँ भी पट्टी बनाएंगे। ये देखिए पट्टी बन गई, ऊपर से नीला कलर लगा लिया है और सुई धागे में सेम कलर लेके इस तरह से डार्क ब्लू कलर में हम सिल ले रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हमने ऊपर से सिल दिया और जब हम इसे टाइट कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से सिल के और यहाँ जो धागे दो धागों के बीच की गांठ है उसमें हमने इस तरह से निकाल दिया अपनी सुई को और कस के खींचेंगे तो ये गोल हो जाएगा। ये देखिए और जो रॉयज है इसको अंदर की तरफ करते हुए ये देखिए और यहाँ साइड से भी सिल देंगे। ये देखिए इस तरह से तो ये गोल गोल सी छोटी सी 0 नंबर की कान्हा जी की कैप भी रेडी हो जाएगी। एकदम परफेक्ट नाप आती है, इसीलिए हमने बाद में पहना के कान्हा जी की फ़ोटो भी डाली है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाइएगा। तो इस तरह से देखिए ये ड्रेस भी रेडी हो गई हमारी और ये छोटे से कान्हा जी के लिए एकदम फिट है और ये छोटी सी टोपी है, तो इनको हम पहना देते हैं अब कान्हा जी को। ये देखिए कितने खूबसूरत सा लुक हो, आई होप आपको अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।